नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। कोरोना को लेकर हमारी अलर्टनेस जो थी, हमारी गंभीरता जो मार्च में थी लॉकडाउन से पहले या उसके तुरंत बाद, उस समय जो अलर्टनेस थी, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अब वो अलर्टनेस नहीं है। लोग जैसे जैसे अर्थव्यवस्था खुल रही है, लापरवाह भी होते जा रहे हैं। और इस लापरवाही के बीच एक ऐसी खबर आई है जो आपको चौंका सकती है और जिसने चिंता में भी लोगों को डाल दिया है। और वो खबर ये है कि लोगों को एक बार ठीक होने के बाद दोबारा से कोरोना हो रहा है। जी हाँ, सबसे पहला केस जो रिपोर्ट किया गया, फर्स्ट रिपोर्टेड केस, ऑफिशियली रिपोर्टेड केस, वो हांगकांग से सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति को 4.5 महीने बाद दोबारा कोरोना हो गया। इसी तरह के केसेस बेल्जियम से आए हैं, नीदरलैंड से आए हैं और भारत में भी 2-4 ऐसे केसेस सामने आए हैं, अहमदाबाद और तेलंगाना से। सवाल ये है कि ये कितना गंभीर है। एक बार कहा जाता है कि कोरोना से अगर आपने इम्यूनिटी हासिल कर ली तो दोबारा अटैक होना नामुमकिन है कोरोना का, लेकिन ये केसेस बता रहे हैं कि हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। आज के शो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये री इन्फेक्शन जो कोरोना का है, ये कितना चिंताजनक है, हमें कैसे सतर्क रहना है और अब आगे क्या करना होगा। रिपोर्ट देख लीजिए, लौटते हैं मेहमानों के साथ। दुनिया में कोरोना की दस्तक को करीब 9 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक दुनिया भर के वैज्ञानिक इस अदृश्य वायरस को समझने में नाकाम ही रहे हैं। जब जब वायरस पर जीत की कोई किरण नजर आती है, तब तब ये पैंतरे बदल कर उसे फेल करने में जुट जाता है। ताजा मामला है कोरोना के री इन्फेक्शन का, जहाँ कोरोना को मात देने के कुछ महीने बाद लोग दोबारा कोरोना पॉजिटिव होने लगे हैं। हांगकांग के एक व्यक्ति को एयरपोर्ट स्क्रीनिंग में फिर संक्रमित होने का पता चला। 4 महीने पहले कोरोना से ठीक हो चुका ये व्यक्ति यूरोप से हांगकांग आया था। हांगकांग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जीनोमिक सीक्वेंस के जरिए पता लगाया है कि ये शख्स 2 अलग-अलग स्ट्रेन से संक्रमित हुआ है। दूसरे संक्रमण के दौरान व्यक्ति में कोई लक्षण, जिससे पता चलता है कि दूसरी बार का संक्रमण बहुत हल्का हो सकता है। हांगकांग के बाद ऐसे ही 2 केस तेलंगाना और 1 केस अहमदाबाद में मिला है। ये सभी लोग एक बार कोरोना से ठीक होने के बाद दोबारा संक्रमित पाए गए हैं। इन मामलों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं, क्योंकि अभी तक की रिसर्च में पता चला था कि एक बार कोरोना से ठीक होने वाले कम से कम अगले 1 से 2 साल तक दोबारा संक्रमित नहीं होंगे। कुछ रिसर्च में ये मियाद 3 से 4 महीने तक की बताई गई थी, लेकिन री इन्फेक्शन की खबर ने साफ कर दिया है कि कोरोना की इम्यूनिटी ज्यादा दिन नहीं टिकती है। वैज्ञानिकों ने यह भी साफ किया है कि री इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, और एक बार संक्रमण का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो शख्स कोरोना के प्रति इम्यून हो गया है। आगे बढ़े उससे पहले आपको ये बता दें कि वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी और इम्यूनिटी कैसे पैदा होती है। तो जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होता है, तो शरीर वायरस के जेनेटिक मेकअप को याद कर उससे लड़ना सीखता है। आसान भाषा में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। वायरस से ठीक होने के बाद शरीर में एंटीबॉडी मिल जाती है। यही एंटीबॉडी शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को पहले हो चुके वायरस के हमले के बाद याद दिलाने में और भविष्य में होने वाले अटैक के लिए खुद को तैयार करने में मदद करती है। इस तरह शरीर वायरस से लड़ने में बेहतर हालात में होता है, यानी शरीर उस बीमारी के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। कई बीमारियों में तो ये इम्यूनिटी जिंदगी भर तक के लिए डेवलप हो जाती है, लेकिन कोरोना के मामले में ये साफ नहीं हो पाया है कि दोबारा संक्रमित होने पर नई प्रतिरोधक क्षमता बनेगी या नहीं, क्योंकि आमतौर पर इम्यूनिटी सिस्टम पहली बार बीमार करने वाले वायरस के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाना याद रखता है।
इन दो मामलों के मिलने से दुनिया भर में कोरोना की बनने वाली तमाम वैक्सीनों पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या कोरोना की वैक्सीन वायरस के खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षा दे पाएंगी। तो यहाँ आपको बता दें कि री इन्फेक्शन मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वैक्सीन लगवाना बेकार हो जाएगा। रिसर्चर्स का दावा है कि दवा से जो इम्यूनिटी मिलती है वो प्राकृतिक संक्रमण से इम्यूनिटी मिलने से अलग हो सकती है। WHO और ICMR ने इन मामलों पर चिंता जाहिर की है, लेकिन इतनी जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। चाहे जो हो, हम तो यही कहेंगे कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है, आप अपना खास ख्याल रखें, WHO की गाइडलाइंस का पालन करें, फेस मास्क जरूर लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और बार बार हाथ धोते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये खबर उन लोगों के लिए खासी इम्पॉर्टेंट है, खासी अहमियत रखती है जो कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाह हो गए हैं, जिन्हें लगता है कि उनके शरीर में तो शायद एंटीबॉडीज अब तक डेवलप हो गई होंगी, इसलिए अब कोरोना संक्रमण का कोई खतरा नहीं, और फिर वो लापरवाह होकर बाजारों में निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे या उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं। बहरहाल, आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद ये है कि जो री इन्फेक्शन है कोरोना का, इसके बारे में आपकी जानकारी और दुरुस्त करना और आपको और ज्यादा अवेयर करना। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के और देश के जाने माने चिकित्सक, और हमारे साथ हैं डॉक्टर रोमिल टिक्कू साहब, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन मैक्स हेल्थ केयर के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा आपका भी, और डॉक्टर टिक्कू आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा, री इन्फेक्शन के केसेस अब सुनाई देने लगे हैं, पहले भी सुनाई देते थे लेकिन रिपोर्टेड नहीं थे ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड, सिर्फ सुनने में आता था कि दोबारा शायद संक्रमण हुआ है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मामले दर्ज हो रहे हैं, ये चिंता बढ़ाता है क्या? दीपक जी, पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। ये मार्च में ही सामने आ गया था, 10 से 20 मार्च के बीच में चाइना में, कोरिया, साउथ कोरिया में और जगहों पे री इन्फेक्शन भारत में भी देखे गए थे, और उस समय कुछ लोगों का मानना ये था कि वायरल पूरी तौर से शरीर से एलिमिनेट नहीं हुआ और वो फिर से सरफेस कर गया, लेकिन बाद में लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल ये जो इम्यूनिटी, और ये अभी एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, पब्लिश रिपोर्ट है, जिसमें 3 पेशेंट्स में देवर डिस्चार्ज विद IgG और IgM एंटीबॉडीज़ उनमें थी, और उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया और वो फिर से संक्रमित होकर भर्ती हुए दोबारा। तो ये अभी खाली हांगकांग की रिपोर्ट तो अभी आई है, लेकिन पहले से भी हम लोग ये मान रहे थे और सभी का मानना ये था, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है, और जैसे आप देखिए खांसी जुकाम जो कॉमन फ्लू होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि एक बार होके फिर नहीं होता है, वो दोबारा हो जाता है और कई बार जल्दी हो जाता है कुछ लोगों में, जो लोग जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। तो इसलिए हम सभी लोग ये मान रहे थे, इसीलिए जो प्लाज्मा थेरेपी पे एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है वो इसी वजह से लग रहा है कि एंटीबॉडीज कितनी बन रही हैं, कितने दिन सस्टेन करती हैं, कितनों में करती हैं, उनकी क्वालिटी क्या है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की। तो ये इसका इंडिकेशन सिर्फ यही है कि ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करता इन्फेक्शन, और हम लोगों को दोबारा होने की पूरी संभावना है। और जैसे आपकी स्टोरी में भी आपने कहा, आपने भी कहा ये कि लोगों को जब तक ये पेंडेमिक चल रहा है, ठीक होने के बाद भी वही एहतियात लेने चाहिए जो वो बाकी लोग ले रहे हैं, और नहीं ले रहे तो वो संक्रमित होंगे। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई हांगकांग के जो केस आया है कोई ऐसी नई बात नहीं है, उसमें ये हम लोगों को विदित था और ये उसी के दिशा में जा रहा है। तो लोगों को जो ठीक हो गए हैं उनको अपना गार्ड लोअर नहीं करना है, अपने सुरक्षा रखनी है, प्रिवेंशन रखना है, बचाव रखना है आगे आने वाले, कम से कम जब तक ये पेंडेमिक खत्म नहीं हो जाता। बिल्कुल डॉक्टर टिक्कू, आपसे हम समझना चाहेंगे एक बार फिर से वही सवाल, जिन लोगों के दिल में दिमाग में ये भ्रम है कि हमने शायद एंटीबॉडीज हमारे शरीर में डेवलप हो गई होंगी तो अब हमें कोरोना अटैक नहीं होगा, उन लोगों को सतर्क तो हो ही जाना चाहिए। साथ ही एक और चीज जो सामने आई है, जो हांगकांग का केस है,
कि वो इस बार जो डिफरेंट स्ट्रेन के साथ इसमें अटैक हुआ है, यानी कि पहले वाला, जरूरी नहीं कि पहले वाला स्ट्रेन ही हो, हांगकांग के केस में इस बार जो केस सामने आया है उसमें बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति को अब माइल्ड सिम्टम्स यानी कि माइल्ड स्ट्रेन ने अटैक किया है, लेकिन संभावना यह भी हो सकती है कि आपको ज्यादा हार्ड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन आपको अटैक करे। देखिए, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, जो भी रिसर्च हुआ है, उससे यही पता चलता है कि जो एंटीबॉडीज बनती है इन्फेक्शन के बाद वो भी ज्यादा टाइम लास्ट करती नहीं है, वो 2-3 महीना ही लास्ट करती है। बट इम्यूनिटी इज नॉट ओनली अबाउट एंटीबॉडीज, बॉडी की अपनी भी इनेट इम्यूनिटी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, तो इन्फेक्शन होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और इस केस में जैसे आप बता रहे हो कि जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी और सेकेंड स्ट्रेन डिफरेंट था, ये वो स्ट्रेन है जो यूरोप में देखा गया, पहली बार एशियन स्ट्रेन था, और उस पर्टिकुलर इंसान की अपनी क्या इम्यूनिटी थी, वायरस म्यूटेट तो नहीं हुआ है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें इम्यूनिटी को लेके। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये वो वायरसेस हैं जिनकी किसी को अभी तक पता नहीं है, नया वायरस है कब तक, जैसे फ्लू वैक्सीन होती है हर साल लगती है, क्योंकि फ्लू के अगेंस्ट परमानेंट इम्यूनिटी नहीं है, कुछ महीने, कुछ एक आध साल तक रहती है, फिर दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस होता है। वैसे ही इस वायरस के, फ्लू के बारे में तो बहुत कुछ पता भी है हमको, इस वायरस के बारे में तो हमें कुछ पता भी नहीं है। जो भी रिसर्च हो रहा है वो भी ऑनगोइंग है, चल रहा है, और जो लोगों ने रिकवर किया है कोविड से उन पे रिसर्च अभी भी चल रहा है, आगे जाके उनको नई नई चीजें हमें पता चल रही है कि लंग में फाइब्रोसिस हो रहा है या बाकी सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे हैं। सो इस बीमारी के बारे में हमें बहुत कुछ अभी कुछ पता नहीं है, जो हमें पता चल जाएगा आगे रिसर्च में। बट हाँ, जिन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है उन्हें कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि उनको अब इन्फेक्शन नहीं होगा, मास्क बिना पहने वो घूम रहे हैं हर जगह, क्योंकि इस केस में भी आप देखिए सेकेंड टाइम जो इन्फेक्शन हुआ है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, उनको सिम्टम्स ही नहीं थे, उनको तो रूटीन स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पे, हांगकांग एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग में उनको पता चला कि इनको इन्फेक्शन है। उसके दो एक पहलू हैं, एक पॉजिटिव तो ये है कि जब आपको दूसरी बार इन्फेक्शन होगा तो आपको ज्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं होंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, वो एक पॉजिटिव चीज है। नेगेटिव चीज ये है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो मैंने पढ़ा कि वायरल लोड ज्यादा था, यानी ही इज इन्फेक्शियस, इफ ही इज एसिम्प्टोमेटिक एंड ही हैज अ हाई वायरल लोड, तो वो इन्फेक्शियस है बाकी लोगों के लिए, तो उनको पता भी नहीं है वो इन्फेक्टेड है और वो फैलाते जाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है। बट अभी तक जो रिसर्च है, ये जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, पहले भी तेलंगाना अहमदाबाद केसेस थे वो एनेक्डोटल थे, कंफर्म्ड कुछ नहीं था, किसी को नहीं पता था। साउथ कोरिया में जो केसेस आए थे वो बाद में पता चला डेड वायरस के रेमनेंट्स थे, तो कंफर्म सीक्वेंसिंग के बाद जो पता चले पहला केस है वर्ल्ड का। इसको लेके पैनिक नहीं करना है, बट हाँ इससे एक शिक्षा ये लेनी है कि कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, जिन लोगों को हो चुका है उन्हें सावधान रहना होगा, और जब वैक्सीन आएगी, पता नहीं आएगी भी कि नहीं, हम तो होपफुल है आएंगी, जब आएगी उसकी इम्यूनिटी कब तक लास्ट करेगी, उसकी कोई गारंटी थोड़ी ना है हमारे पास, क्योंकि अभी तक जो 6 वैक्सीन कैंडिडेट्स फेज 3 ह्यूमन ट्रायल्स में हैं उसका कंक्लूजन तो आया नहीं है, वो तो ऑनगोइंग स्टडी है, उसमें से क्या निकलेगा, उस स्टडी से क्या पता चलेगा कि कितने महीने तक इम्यूनिटी रहेगी, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आगे जाके हमें पता चलेगा। बट जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ है उन्हें भी वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है, यही हम पता चलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिन लोगों को इन्फेक्शन एक बार हो चुका है या जो लोग ठीक हो चुके हैं, और कई लोगों के शरीर में तो जब सर्वे हुआ तो फिर उनके शरीर में एंटीबॉडीज पाएगी और उनको मालूम भी नहीं चला कि उनको कब इन्फेक्शन हुआ और कब ठीक हो गए, कब उनके शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, लेकिन ऐसे लोग बड़े कॉन्फिडेंटली घूम रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि दोबारा उनको अटैक नहीं होगा, उनको थोड़ा सा ये सतर्क करने वाली बात है। और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, लेकिन हाँ सतर्क जरूर होना है। डॉक्टर मिश्रा, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि एक बार जब हमको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद हमारे शरीर में कुछ विपरीत असर भी पड़ता है वायरस का, मसलन हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़ा सा उनके कैपेसिटी कम हो जाती है कुछ समय के लिए तो कम से कम, तो ऐसे में अगर दोबारा अटैक आप पर होता है तो खतरा बड़ा है फिर सेकेंड टाइम? बिल्कुल हो सकता है, जैसे डॉक्टर टिक्कू ने कहा, सबसे पहले तो जिनको प्री एग्जिस्टिंग को मॉर्बिडिटीज हैं, मान लीजिए लंग की पहले से ही उनको ब्रोंकियल आस्मा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है उनको पहले से ही, हार्ट की कोई बीमारी है, तो डायबिटीज है, पर्टिकुलरली डायबिटीज का बड़ा इसमें रोल रहा है कोविड के एडवर्स इम्पैक्ट में, मॉर्टिलिटी में भी और आफ्टर इल इफेक्ट्स में भी, लंग्स पे जो इफेक्ट हुए हैं, जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हुआ है,
तो ये बिल्कुल इसमें कोमॉर्बिडिटीज से जो लोग ग्रस्त हैं उनको उनमें ज्यादा देखने में आया है। आम तौर से अगर हम कहें तो ज्यादातर लोग, आई वुड से 85-90% लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे सहयोगी भी जो बहुत सारे डॉक्टर्स को भी हुआ है, अभी लखनऊ में हमारे 3 सहयोगी हैं जिनको कोविड हुआ है, उनमें से 2 लोग बिल्कुल अच्छे से रिकवर कर गए, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और बहुत सारे जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं जिनको कोई सिम्टम व्हाटसोएवर सिम्टम हुआ ही नहीं, तो इस तरह का हमें स्पेक्ट्रम दीपक जी वही है जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक तरफ स्पेक्ट्रम के है बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जिसको कोई दिक्कत नहीं हुई और उनको कोविड निकला, दूसरा स्पेक्ट्रम है जहाँ पे लोग आईसीयू में एडमिट हो रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। तो बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है इसका। और देखिए लक्षण भी शुरू हुआ कि खराश होगी और थोड़ा सा सिर में शरीर में दर्द होगा, खांसी होगी, थोड़ी सांस की तकलीफ हो सकती है, बुखार होगा, उसके बाद फिर ये था कि साहब इसमें जुकाम नहीं होगा, रनिंग नोज नहीं होगी, बट वो भी कुछ लोगों में देखने में आई सामने, फिर डायरिया देखने में सामने आया, फिर लोगों को इतना बॉडी एक और इतना माइल्जिया हुआ है, कुछ हमारे डॉक्टर्स को ही वो कह रहे हैं बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं होती थी लोगों की जब ये इससे ग्रसित होते थे, और कुछ लोगों को तो ये लंग का जो प्रॉब्लम आई है और उसमें कुछ लोगों में इसके जो आप कह रहे हैं फाइब्रोसिस भी देखने में आई है, सीटी स्कैन हुए हैं बाद में लोगों के, और खासतौर से जिनको प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस थी उनको ज़्यादा ये समस्या आई है, एल्डरली लोगों को ज़्यादा, डायबिटीज जिनको है उनको ज़्यादा आई है। तो बिल्कुल अब थ्रोम्बोसिस होगी इसमें, थ्रोम्बोलिटिक हो जाते हैं लोग इसमें, स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट पे गलत असर पड़ रहा है इसका, तो शरीर का देखिए वायरस तो शरीर के हर अंग में पकड़ा गया है, आज ब्रेस्ट मिल्क तक में अब लोगों ने देखा है, हालांकि अभी उसका बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं है, लेकिन प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर रहा है वायरस, तो बहुत छोटा सा पार्टिकल है, कहीं भी जाता है, ब्रेन में भी जा रहा है, हार्ट में भी जा रहा है, किडनी में भी, लिवर में भी, तो सब जगह जा रहा है ये और कहीं रुकेगा नहीं। अब वही है कि किस को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, किसको कम करेगा, तो वो स्पेक्ट्रम अपने अपने शरीर की, जैसे डॉक्टर इक्कू ने कहा इनेट इम्यूनिटी है, कौन कितना उससे लड़ सकता है, आई थिंक वही मुद्दा सारा वही है। बिल्कुल सही बात है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वायरस का शिकार कोई भी हो सकता है, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसका नेचर पता करना बड़ा मुश्किल है, अभी हम बहुत नए हैं इस वायरस के सामने और इस वायरस का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, अभी हमारी जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, जितनी भी फाइंडिंग, जितनी भी स्टडीज़ हैं, बहुत बौनी, बहुत छोटी हैं इस वायरस के सामने, और ये कब क्या रूप दिखा दे वायरस कहा नहीं जा सकता, इसलिए एक हथियार आपको अपने पास रखना है इस वायरस से बचने के लिए, वो है सुरक्षा, सतर्कता, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सरकार के द्वारा बताए गए निर्देश। तो अगर आपको भी ये लगता है कि एक बार कोविड पॉजिटिव होने के बाद अब आप इम्यून हो गए हैं और आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हैं। इस गलत फहमी को दूर कर लीजिए, और हमारे आज के शो का मकसद आपको डराना नहीं है, पैनिक क्रिएट करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, क्योंकि दुनिया भर में अब ऐसे केसेस आने लगे हैं, पहले भी आते थे लेकिन उन पर बातचीत कम होती थी, लेकिन अब क्योंकि रिकॉर्ड्स में ये मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि एक बार कोविड पॉजिटिव होने के बाद अगर आप ठीक हो गए हैं उसके बावजूद आप दोबारा से संक्रमित हो सकते हैं। डॉक्टर टिक्कू, अब आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर टिक्कू, अब थोड़ा सा जैसा आपने बताया कि अगर आपके एंटीबॉडीज शरीर में डेवलप हो गए हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप बच जाएंगे, लेकिन सवाल ये है सर कि क्या एक बार होने के बाद जब दोबारा आपको कोविड पॉजिटिव अगर आप होंगे तो उसके बाद शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है क्या उसी रूप में विकसित हो पाएगी जैसे पिछली दफे हुई थी? देखिए इस केस में जैसी हमारी एक्सपीरियंस रही है कि इस केस में माइल्ड था या एसिम्प्टोमेटिक थे ये पेशेंट, इनको तो स्क्रीनिंग पे पकड़ा गया नहीं तो ये पता ही नहीं चलता, और यूजुअली भी सेकंड केसेस माइल्ड होते हैं वायरल इन्फेक्शंस में, तो ऐसा उस पर्टिकुलर इंसान को जिसे होगा इन्फेक्शन उसे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम है, बट अगेन इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे डॉक्टर मिश्रा बता रहे थे कि इनेट इम्यूनिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इतने सारे फैक्टर्स हैं, हर इंसान में वायरस डिफरेंटली बिहेव करता है, सिम्टम्स भी अलग होते हैं, एक ही फैमिली में एक कॉम्प्लिकेटेड केस है और एक सिम्टोमेटिक केस है, तो आगे जाके क्या होगा किसी को नहीं पता, बट हाँ ये वायरस अलग अलग तरह से बिहेव करता है, आगे जाके इम्यूनिटी का क्या होगा स्टेटस किसी को नहीं पता है, बट यूजुअली अगर एंटीबॉडीज होती हैं
तो 2-3 महीने तक आप समझ सकते हो कि आप प्रोटेक्टेड हो, बट उसके बाद कोई गारंटी नहीं है। बट ये भी कहना कि अगर आपकी एंटीबॉडीज खत्म हो गई है 2-3 महीने बाद तो आप ससेप्टेबल हो टू इन्फेक्शन, ये भी नहीं हमें पता है, ये आगे जाके ही पता चलेगा रिसर्च से। बट यूजुअली ऐसा होता है कि पहले 2-3 महीने 4-6 महीने आपको इम्यूनिटी मिलती है। अभी तक जो रिसर्च थी उसमें ये बताया जा रहा था कि एंटीबॉडीज 2-3 महीने रहेंगी, बट आपकी टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बाकी सारे फैक्टर्स के कारण में भी साल भर तक आप इम्यून रहोगे, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। बट इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, काफी स्टडीज चल रही हैं, तो हमें नहीं पता है आगे क्या होगा। एंटीबॉडीज जब तक हैं 2-3 महीने तक आपको इम्यूनिटी रहेगी, बट ऐसे भी केसेस हैं जिनमें एंटीबॉडीज बनती ही नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इन्फेक्शन के बाद प्लाज्मा डोनेशन के लिए आए हैं और उनकी एंटीबॉडीज ही नहीं थी। अब उन केसेस में क्या वो ससेप्टेबल है इन्फेक्शन के, क्या 2-3 महीने तक, हाँ ऐसा भी हुआ है क्या, उन एंटीबॉडीज सबकी नहीं बनती हैं, बहुत सारे केसेस हैं जहाँ एंटीबॉडीज हैं। डॉक्टर टिकू जरा इसको समझाइए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि एंटीबॉडीज ही नहीं है शरीर में और आदमी ठीक भी हो गया। हाँ, हर किसी पेशेंट में नहीं देखी गई, बहुत लिमिटेड हैं ऐसे कुछ पेशेंट जिनमें एंटीबॉडीज नहीं पाई गई हैं पोस्ट इन्फेक्शन। इनफैक्ट प्लाज्मा डोनेशन के लिए जो आए थे उनमें भी बहुत मिनिस्क्यूल है, कम परसेंटेज है, बट है। बट ऐसा भी कहना गलत होगा कि वो ससेप्टेबल हैं टू इन्फेक्शन, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट एंटीबॉडीज। सो उनकी अपनी इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इम्यूनिटी को लेके। बट अभी तक जो एक्सपीरियंस हो ये है कि एंटीबॉडीज 3-4 महीने तक लास्ट कर सकती हैं, उसके बाद आपकी अपनी जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, आपकी इनेट इम्यूनिटी और आपके बाकी सारी जो डिजीजेज हैं, आपकी अपनी इम्यूनिटी आपको प्रोटेक्ट करेगी। बट वो कब तक प्रोटेक्ट करेगी वो भी किसी को नहीं पता है। अब केस आया है कि रीइन्फेक्शन हो रहा है, आगे जाके 3-4 महीने बाद कुछ और नई चीज आएगी, नया रिसर्च होगा। बट हमें यही सोचना है कि इन्फेक्शन होने के बाद भी हम ससेप्टेबल हैं, स्पेशली एल्डरली जो हैं जिन्हें कोमोबिडिटीज हैं। जैसे डॉक्टर मिश्रा बता रहे थे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज, आप देखिए लोगों को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, ठीक होने के बाद भी वीकनेस चल रही है उन्हें, डीबीटीज हो रहे हैं उनको, ब्रेथलेसनेस हो रही है, रीएडमिशन हो रहे हैं, हार्ट पे मायोकार्डाइटिस हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो रहे हैं, बहुत सारी सारे ऑर्गन्स, फाइब्रोसिस हो रहा है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। सो बट ये पर्टिकुलरली उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो, एल्डरली हो और उनको बाकी सारी प्रॉब्लम्स है। बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है, जैसे डॉक्टर्स को भी हुआ है, काफी यंग डॉक्टर्स की डेथ भी हुई है, तो हमें ये कोई तरीका नहीं है पता करने का कि किसको कॉम्प्लिकेशन होगी किसको नहीं होगी। बट बाय एंड लार्ज एल्डरली को, मोबिलिटीज वालों को ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए और वैसे भी जनरल पब्लिक को सावधानी रखनी चाहिए। अभी भी अगर आप बाहर निकलो, अब तो लोग इतना फटीग हो गया है लोगों को कि वो मास्क ही नहीं पहन रहे हैं, आप आधे से ज्यादा जनता तो मास्क ही नहीं पहन रही है, पहन रही है तो उनकी गर्दन पे लटक रहा होता है, ये हाथ धोना भी कम हो गया है, तो इसको लेके सेकेंड ये बहुत गंभीर है। हाँ जी, तो मास्क पहन, ये बहुत गंभीर है डॉक्टर, बिल्कुल ये बहुत गंभीर है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि आपने अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए उसमें कुछ ढील दी गई है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि चीजें सामान्य हो गई हैं, खास तौर से कोविड के केसेस में। और जैसा डॉक्टर टिक्कू बता रहे हैं और डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि लोग इतने लापरवाह हैं और हम सब लोग देख रहे हैं, और हमें इसको मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि जो शुरुआत में मैंने कहा, जो सतर्कता, जो डर हमारे मन में मार्च के महीने में था लॉकडाउन में लगने से पहले, अब हमारे मन में वो सतर्कता, वो डर कहीं नहीं है, और यही वजह है कि अब खतरा ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर मिश्रा, अगर हम सचेत नहीं हुए सर, तो फिर जिस सेकेंड वेव की बात दुनिया भर में की जा रही है और अब रीइंफेक्शन भी आ गया, सेकेंड वेव को आने से कोई नहीं रोक सकता सर, अगर हम सतर्क नहीं हुए। बिल्कुल, अभी तो देखिए हमारे भारत में तो अभी पहली फेज ही खत्म नहीं हुई है, वही बड़ी कस के चल रही है, और हम अभी आपस में भी यही बात कर रहे थे कि ये तो ऐसा लग रहा है कि हम सब तक कहीं ना कहीं ये वायरस पहुंचेगा किसी ना किसी रूप में, अगर हम लोग अपना प्रोटेक्शन नहीं करेंगे और जो सावधानियां बताई जा रही हैं, एम्फेसाइज की जा रही हैं, उनको नहीं फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चपेट में लेगा। इसीलिए बार बार बात यही हो रही है कि जो अनलॉकिंग के साथ जो प्रिवेंशन करना चाहिए, लोगों को बचाव करना चाहिए, वो बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे तभी बच सकते हैं लोग, अन्यथा अभी हमारी तो पहली फेज और सारे राज्यों में आप देख रहे हैं हर राज्य की अपनी अपनी पीक आने वाली है, क्योंकि कोई एक साथ नहीं हो रहा, कहीं पर ज़्यादा बढ़ रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, और जब तक ये सारे जगह पर पीक नहीं आके डिक्लाइन होगा, फ्लैटनिंग होगी, तब तक हम, क्योंकि अब आवागमन भी शुरू हो गया है, आगे ट्रेन सर्विस भी शुरू होंगी, फ्लाइट शुरू हो गई हैं, बस सर्विस शुरू हो गई है,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में शुरू होने जा रही है, तो ये सारी चीजें मिला के सिनेरियो कोई बहुत एनकरेजिंग नहीं है आने वाले समय में। और लोगों को जब तक जरूरत नहीं है भीड़ न करें कहीं पे भी जाके, चाहे मेट्रो हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, जब बहुत जरूरी हो तभी ट्रैवल करें, अन्यथा बचा ट्रैवल से बचें, चाहे अपने शहर में चाहे एक शहर से दूसरे शहर। और जितना बचाव करेंगे उतना ही सबके हित में है ये, क्योंकि अब जो चूंकि एंटीबॉडी नहीं बन रही तो हर्ड इम्यूनिटी की भी इसमें कोई रोल नहीं है। चाहे अब चाहे 40% लोग इन्फेक्ट हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, जिनको नहीं हुआ है उनको हो सकता है और जिनको हुआ है उनको भी हो सकता है। तो बचाव ही एक सबसे बड़ा इसमें उपाय है, हम लोगों के पास हथियार है जिसको हम सबको बहुत, मुझे लगता है ये आपने एक इम्पोर्टेंट बात बोल दी, कई लोगों के मन में ये भी था कि हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी साहब, हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, सब लोग इम्यून हो जाएंगे, तो एक बार इम्यून हो गए तो दोबारा कोविड होगा नहीं। लेकिन मुझे लगता है अब हर्ड इम्यूनिटी, बिल्कुल सही बात है, हर्ड इम्यूनिटी जैसी कोई चीज, वैसे भी इस पर बहुत विवाद होते रहे हैं, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अगर री इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही सवालों के घेरे में आ जाता है। हर्ड इम्यूनिटी का फिर मतलब क्या रह गया अगर आपको दोबारा से इन्फेक्शन होना। कुल मिला के आपको वही सतर्कता बरतनी है जो मार्च के महीने की शुरुआत में आपने बरती थी, और उसके बाद एक साथ होकर, एकजुट होकर, और ज्यादा, बिल्कुल और ज्यादा सतर्क होकर अब हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अब हमें अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपनी जिंदगी के साथ साथ इस बीमारी के साथ भी जीना सीखना होगा, इसलिए सतर्कता अब ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर टिक्कू, हमारे लिए समय निकालने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहानी का जो मतलब है वो ये है, कहानी से आज हमें ये सीख मिलती है कि अब हमें और ज्यादा सतर्क होना है अगर हमें कोरोना से लड़ना है, इसके साथ जीना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए।